नमस्कार, खबर अरपल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। हजीरा थाना अंतर्गत ददईपुरा में 8 लाख की डकैती, पुलिस को खबर तक नहीं। मुरैना पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगा रोजगार मेला। काशीपुरा में किशोरी के साथ 5 महीनों तक होता रहा दुष्कर्म, आरोपियों में नाबालिग भी शामिल। और भाजपा ने बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किया श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। काशीपुरा मुरार में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप के 3 आरोपी पिछले 5 माह से नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते थे। परिजनों को उस समय पता चला जब लड़की के पेट में दर्द हुआ। कुमार के बारे भाई साहब झूठ बोले यार। वो कौन सा वाला? शिवम, जो सब्जी वाला सब्जी लगाता है वो। नाबालिग बच्ची है 13 साल की, जिसके साथ पिछले 5-6 महीने से 3 लड़के हैं जो उसके साथ जबरदस्ती धमका के गलत काम करते रहे। तो कल और उसके बाद उसी के फलस्वरूप वो बच्ची कहीं प्रेग्नेंट भी होगी, तो जब तबीयत खराब हुई तो इस बात का पता चला। बाद में उन तीनों आरोपियों के खिलाफ 370 का अपराध पंजीबद्ध करके तीनों आरोपियों का अरेस्ट कर लिया गया। क्षेत्र में रहने वाली कैलाश चंद्र माहौर के घर 7-8 बदमाशों ने डकैती डालते हुए 8 लाख रुपए का माल लूट लिया और पुलिस को घटना का पता ही नहीं चला। पूरे घिबड़ा तो इसके अंदर से निकाल के ले गए। ये पहले खुली रहता मकान किसका है? फिर वो इस कमरे को बंद कर दो ना कुछ देर के लिए। हाँ, क्योंकि डॉग सर्चिंग कैसे हो पाएगी फिर? ठीक है, ठीक है। नगद कितना बता रहा है? नगद नहीं ये होता है ना, अच्छा होता है, सब काम कर रहे होते हैं ना। हाँ भाई साहब, क्या है, क्या करते हो, ये कौन सी बस्ती है, क्या हुआ है? मेरा नाम कमल किशोर है, मैं MRG बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड में साइट सुपरवाइजर हूँ। ये राधा कॉलोनी बधाईपुरा टावर के पास ये रात के 1:45 की घटना है। ये वारदात दो जगह हुई थी, ये पहले स्पॉट पे एक जगह मेरे आगे चल के हुई थी और दूसरी वारदात ये मेरे घर पे हुई थी, जिसमें से पहली वारदात में तो वो खाली हाथ निकले और दूसरी मेरे घर से गहने, पूरे गहने जवाहरात ये सारे लेके गए। यही देखा तो हमने सोचा लड़ाई हो गई, किसी को मार रहे, तो जी हम अंदर चले गए। जो बच्चा ने हमारे ने देखा है उनके हाथ में बंदूक थी और बक्से को तोड़ा है हमने। कितनी उम्र करीब के देखने में? नहीं, हमने कुछ नहीं देख पाया, अंधेरा था। बच्चों को भी मतलब ढाटी लगाए थे तो हमने कुछ नहीं देख नहीं पाया। कितने लोग करीब आए होंगे, कुछ पता चला? कह रहे थे दो खड़े थे, एक झुका था और टावर पर खड़े थे, अलग 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 जगह पर खड़े थे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को शंखनाद करते हुए मंडल एवं जिला स्तरीय ग्रामीण एवं शहरी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की। बैठक में वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। उनको जमा करती हूँ, बताना पड़ेगा कोई कार्य होते की है क्या? विकास यात्रा का भी जो रूट है, दिन प्रमुख है, कर लेंगे। मंडल प्रभारी से प्रभारी है, जानकारी दे देंगे उसकी। कर लेंगे लोगों को। पिछली बार है जो हमारी का लगभग 2:20
11 तारीख को हमने तय किया है ग्राम केंद्रों पर कि समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसमें आजीवन सहयोग नीति हम 4-5 दिन में 5 दिन हमारे पास। मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष कुंवर सत्यपाल सिंह जी एवं विधायक अन्य अतिथिगण आप मंचासीन हो रहे हैं। जिला मेले में आज यहाँ आए हैं, जोरदार तालियों से माननीय महोदय का स्वागत करें। कंपनी की ओर से ये विधायक के प्रतिनिधि से निवेदन है कि आज की योजनाओं के तहत और माननीय महोदय की ये प्रतिबद्धता रही है कि प्रदेश में निजी क्षेत्र में हमारे बच्चे जाए और निजी उद्योग हमारे बच्चे लगाए, इस दिशा में चिंता की जानी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे वैसे तो बेरोजगार युवक को रोजगार मिले, इस विषय को लेकर सरकार का एक मजबूत संकल्प है और उस संकल्प के अंतर्गत पूरे प्रदेश में यह रोजगार मेले का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। उसी के अंतर्गत मुरैना जिले में दूसरा मेला आज आरंभ हुआ है। जब गत वर्ष साक्षात्कार की प्रक्रिया के लिए सभी पंजीकृत युवा कृपया लाइन से वहां पर पहुंच जाएं और व्यवस्थित तरीके से वहां साक्षात्कार की प्रक्रिया संपादित हो। मालिक रक्ष साहब और सीओ साहब ने जैसा कि निर्देश दिया है आपको सूचित किया गया है, उसी प्रक्रिया से आप कृपया प्रारंभ करें। में ऊर्जा है, अगर उस ऊर्जा का उपयोग सृजन के लिए होगा, रोजगार के लिए होगा, तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार को भी समृद्ध करेंगे, हमारे जिले को भी समृद्ध करेंगे। युवाओं को रोजगार मिले और युवा ठीक प्रकार से पढ़ लिख कर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा में ले जाने में अपना योगदान दर्ज कर सकें, इस दिशा में मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, ये हम सबकी प्रसन्नता की बात है। मुरैना में अनुदानित और गैर अनुदानित स्वैच्छिक संस्थानों के पदाधिकारियों के लिए अभिनवीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बहन सरिता जी, एक बहुत लंबे कालखंड से राजनीतिक और सिद्धांत निष्ठ बहन है और इसलिए चिकित्सा का क्षेत्र हो, कुरीतियों के निवारण का क्षेत्र हो या नहीं छोड़ा जा सकता, यह कल्पना पुरातन काल से ही हमारी संस्कृत पद्धति समाज से भी संस्थाओं की विकसित हुई। मुझे भी आने में थोड़ा विलंब हुआ इसके कारण कार्यक्रमों की, और इसलिए जो काम है कि ये अवहेलना होगी और बहुत सारे समाज से भी संस्थाओं के लोग यहाँ हैं, उनके दर्शन से भी वंचित हो जाऊंगा और इसलिए मैं आप सबके मध्य उपस्थित हुआ। बहुत प्रसन्नता की बात है कि समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा सभी एनजीओ को एकत्रित करके उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का काम किया जा रहा है। हम सब लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, यह देश बड़ी आबादी वाला देश है। आनंद नगर तिराहे पर पार्षद रेत से बनाए जा रहे खम्भों को नगर निगम के दस्ते ने तोड़ दिया, इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध भी जताया। अरे शुक्ला जी, हमारा बीमा है ना, दो पुलिस मंदिर मतलब मैं पहुंचा।
थे भाई अपन तो यार ऑफिस आना भाई गाड़ी आ गए तुम तो देखते नहीं क्या बात है जनता तो सब मेरा नाम दीपक चौहान है, यहाँ का पार्षद पति हूँ। अभी निर्माण कार्य कराया जा रहा था, अभी यहाँ मजार पर कार्रवाई की है। क्या मामला था, यहाँ विवाद भी हुआ जनता में, और क्या मामला था, क्या कारण था? आज ये हमारा, मैंने 2 माह पहले अपने गेट का यहाँ पे इंजीनियरों द्वारा सारी चीज़ें की जो मेरी निधि का ये गेट बन गया था। आज जब गेट 80% बन गया है तो जो लोग तोड़ने आ रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पे जनता इकट्ठी हुई, कुछ उधम की वो लगा, तो मैंने सब लोगों को संभाला, हाथ जोड़ के मैं, ठीक है अगर इन लोगों की, यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं, यहाँ के सबसे ज़्यादा दिवाकर शर्मा, उन लोगों को तकलीफ थी, उनने मतलब गेट अच्छा बनने आता सारी चीज़ें, मैं तो नाम ले रहा हूँ सारे, उसके बाद में अगर 80% बन गया, जब इनको तोड़वाने की याद आई, पैसा तो पैसा ही है, जनता का पैसा है, चाहे वो मेरी निधि का हो चाहे कैसा हो, लेकिन वो जनता का पैसा है। अगर जो लोग चाहते जब बनने आता, जब भी उस चीज़ को रोक लेते, तो आज ये नुकसान नहीं होता। क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति भेंट चढ़ रहा है, सब जगह पैसे राजनीति कारण बिल्कुल बिल्कुल भेंट चढ़ रहा है, जनता का पैसा है ये, वो सामने दिख रहा है, आप लोगों के सामने जनता का पैसा भेंट चढ़ रहा है, चाहे वो मेरी निधि हो, चाहे नगर निगम की हो, चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो जनता का पैसा है ऐसे नुकसान किया जा रहा है, जो आप लोगों के सामने है। आप ही लोग, क्या नाम है आप? मैं ललित कुमार चतुर्वेदी, सील नगर से हूँ। ललित जी, गेट बन रहा था, आपको क्या लगता है गेट बनने के बाद अपने इलाके की सुंदरता बढ़ती है? बिल्कुल बिल्कुल सुंदरता बढ़ती, लेकिन विरोधी लोग नहीं, जब विरोधी पार्टी काम करा रही थी, इसलिए सत्ता पक्ष वालों को नहीं था ये काम हो, लेकिन जब आपने टारगेट बनाया था पूरा लेआउट में वो नक्शा जो था आपका बिल्कुल पास था। केलारस तहसील के निवासियों ने शासकीय भूमि पर बरसों से बसे गरीब एवं आवासहीनों को आवास के पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मनमानी नहीं चले, गरीबों को जानना बंद करो, पाइप सरकार गरीबों को जानना बंद करो, पाइप सरकार नहीं किया तो लड़ेंगे, लाठी गोली खाएंगे। ये मामला ये है कि ये जो गरीब लोग बसे हुए हैं बरसों से, उनको हम ये मांग कर रहे हैं शासन की तरफ से कि उनको पट्टे दिए जाएं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि वो अवैध कॉलोनियों को नियमित करेंगे, तो हमारा इस पर कोई विरोध नहीं है, नियमित होना चाहिए, लेकिन ये तो कॉलोनाइजर्स को लाभ पहुंचाने के लिए, जबकि जो लाखों लाख लोग मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं बरसों से, 30-40 सालों से रह रहे हैं गरीब, उन लोगों को पट्टे दिए जाएँ, इस मांग को भी कर रहे हैं, उनको भी नियमित किया जाए, ये हमारी मांग है। इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से आए हैं? ये मुरैना जिले के कैलारस तहसील से आए हैं, कैलाश नगर के रहने वाले हैं, तो ये बरसों से 30-35 बरसों से रह रहे हैं, और इनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई आवास नहीं दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास योजना लागू है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में कोई आवास योजना लागू नहीं की गई है, जबकि IHSDB करके एक योजना है, इस तरह की योजनाएं नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू होनी चाहिए, गरीबों को सरकार आवास बनाकर दे, ये मांग है हमारी। सिविल हॉस्पिटल मुरार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुरार छावनी की पार्षद मंजू देवी कुशवाहा ने हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। पार्षद की पुत्रवधू के नवजात बच्चे की मृत्यु 5 फरवरी को हो गई थी। अरे
इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मुरार हॉस्पिटल। हाँ हाँ बताओ, आते हो आपकी उनकी होता पे वहाँ क्या? चलो पहुँचो तो मैं भी आ रहा हूँ अभी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो आए नहीं थे अभी। हाँ नहीं तो करना अपना रे वाली जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चिकित्सा मंत्री होश करो, मासूम बच्चों को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दोषी चिकित्सकों के खिलाफ FIR, सिविल सर्जन मुर्दाबाद, 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 सिविल सर्जन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलना नहीं है तेरे को, सर मुर्दाबाद, सर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिविल सर्जन मुर्दाबाद, 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 सिविल सर्जन मुर्दाबाद, 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 दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो, दोषियों के खिलाफ क्या हुआ है? मेरे बच्चे के संग है ना, डॉक्टरों ने लापरवाही की है। कैसे लापरवाही की? लापरवाही जब मैं ले गई तो उन्होंने देखा नहीं, डॉक्टर भी थी और सिस्टर भी थी, उनने बच्चे को देखा नहीं और बोल दिया कि जी तो उल्टी तो होती रहती है, कंधे से लगा लो, जे कर लो वो कर लो, और आपका बच्चा स्वस्थ हो जाता तो बच जाता। हाँ, हाँ अगर इलाज करते तो बच जाता मेरा बच्चा। हाँ, तो लापरवाह कौन है? डॉक्टर भी है, सिस्टर भी है। हाँ, मेरे को बच्चे का टुकड़ा जो जरा देख लेता तो मेरे को प्रसन्नी आती है, बच्चे चलो जिंदगी तो होती रहती है, भगवान ने नहीं किया पर देख लेते तो मेरे को प्रसन्नी रहती है, भर्ती कर लेते हैं, मेरे से कहते घर वालों को बुला दो, कहते दवा मंगा लो, इसमें मैं लापरवाही करती तो क्या करती अपनी समझ। डॉक्टर ने देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, अंदर ही अंदर ही बहुत एडमिट है ना, कल सुबह का बच्चा डिलीवरी हुई है कल। ये बच्चा खाना है मराल और सूचना मिली थी कि एक पार्सल है मंजू देवी कुशवा, उनके बेटा घर में जन्म लिया था, तो कल आज सुबह जब डॉक्टर ने आकर चेक किया तो बच्चा मृत पाया गया, और परिवारजनों की शिकायत यह है कि रात में कुछ वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी उसको, डॉक्टर के पास गए तो उन लोगों ने बोल दिया कि ऐसा होता रहता है, ऐसा लिखित में दिया उन लोगों ने, तो अब जैसा सिविल सर्जन और जाँच में जैसा चीज आएगा वैसा। मुरैना में कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई में PWD के कर्मचारी पहुंचे और माह दिसंबर जनवरी का वेतन न मिलने की शिकायत की, अब इन श्रमिकों को भूखा मरने की नौबत आ गई है। पानी मिले दो दिन मैंने हर समय ये होता पूरी साल से तीन दिन में बात संख्या देते हैं। नहीं समझ आ रहे, क्या नाम है आपका? किरण। क्या मामला जो आज जल सुनवाई में आप लोग आए? हमारे जो लेबर है विभाग की, उनको वेतन नहीं मिल रहा दो माह से, दिसंबर और जनवरी। क्यों वेतन नहीं मिल रहा, क्या कारण है? विभाग की लापरवाही, लापरवाही विभाग की लापरवाही है।
तो मैं आपके इसको दूसरी मानते हैं गुप्ता जी को, तो आपने ये आज आवेदन कहाँ दिया है? तिलक साहब को दिया है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ और बात की है उन्होंने। तो अगर इसमें कोई कार्रवाई सक्रिय नहीं हुई तो आगामी आपका कदम क्या रहेगा? आंदोलन करना पड़ेगा, आप आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। जीवाजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन ने पीजीवी कॉलेज में व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में कॉलेज की उपाचार्य स्वाति मैडम को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में जल्द कार्यवाही की मांग। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जेयूएसए जिंदाबाद, कॉलेज पर जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज संजय मिश्रा है और मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन का महासचिव हूँ। आज ज्ञापन जी के समक्ष वाले ज्ञापन दिया, आज हमने एक ज्ञापन दिया है प्राचार्य जी के नाम। उसमें विगत दो वर्षों से यहाँ पर वार्षिकोत्सव नहीं मनाया जा रहा है, जबकि छात्रों से वार्षिकोत्सव के नाम पर रुपया वसूल किया जा रहा है। छात्रों को लाइब्रेरी में नहीं बैठने दिया जा रहा है और अगर वो लाइब्रेरी में बैठते हैं तो उनको वहाँ से भगाया जाता है, जिससे कि छात्रों की शिक्षा पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। छात्र पुस्तक लेने पुस्तकालय में जाते हैं तो उनको वहाँ से ताला लगा हुआ है पुस्तकालय में, पुस्तकालय से पुस्तकें नहीं दी जा रही हैं। और हमारी मांग है कि जो विगत दो वर्षों से वार्षिकोत्सव नहीं मनाया गया है उसको जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए और विचार किया जाए। आपने इसकी शिकायत पहले प्रिंसिपल से की थी? इसकी शिकायत हम विगत दिनों में प्रिंसिपल सर से कर चुके हैं लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुरैना जिले के ग्राम पंचायत खेड़ा मेवता अंतर्गत सोसाइटी जीगनी के अध्यक्ष द्वारा खाद्य वितरण में अनियमितता बरतने तथा ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में ग्रामवासियों ने जिलाधीश मुरैना को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब सिंह गुर्जर है, ग्राम पंचायत जिगनी का रहने वाला हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र है जिगनी। जो साहब सिंह जी, आप बताएं कि क्या मामला है जो आज जन सुनवाई में आप आए हैं? मैं इसलिए आया था, ये गरीब लोग हैं मेरे क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, और बीपीएल कार्ड के उसमें आते हैं उन लोगों के साथ में उस क्षेत्र के कर्मचारी सोसाइटी वाले इतनी ज्यास्ती कर रहे हैं पंचायत के सरपंच और सचिव वगैरह कि इन लोगों के किसी भी काम को नहीं करना चाहते और इन लोगों से पैसे मांगते हैं जब इनके काम की मतलब थोड़ी बहुत सुनवाई करते हैं। उसके बाद मतलब मैंने इनसे दो तीन दिन से ये बेचारे परेशान हो रहे थे तो मैंने कहा कि आप मंगलवार को आना और मंगलवार को मैं श्रीमान जिलाधीश महोदय और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलवाऊँगा और आपकी समस्या को मैंने देश द्वारा मतलब इनको ये खाद्यान्न कब से नहीं मिला है? इनको खाद्यान्न इनको मतलब साल भर से दो महीने का खाद्यान्न तो ये ब्लैक करते हैं, एक महीने का इनको खाद्यान्न दिया जाता है। उसमें से इनको मतलब खाद्यान्न वाला कितना दिया बता रहे थे ये लोग? 58 किलो में से 54 किलो इनको खाद्यान्न दिया गया है। वो भी पूरा नहीं है, दिया नहीं है, मतलब जो चढ़ा लिया है मिलता नहीं दिया नहीं है। और इनको कौन सा त्यौहार था? एक सावन का, सावन के त्यौहार पर इनको शक्कर की जो मिलता है वो शक्कर नहीं दी इनको। 1 किलो 400 ग्राम कितने? 1 किलो 400 ग्राम उसमें नहीं, वो भी नहीं मिल पाई। मैं आप किसको दोषी मानते हो? मैं इसमें जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को दोषी मानूंगा कि मैंने इनको फोन से इनको संपर्क किया था कलेक्टर महोदय को, मैंने साहब ऐसा ऐसा हो रहा है मतलब जीगनी पंचायत की सोसाइटी में और जो गरीब लोग हैं उनको मतलब खाद्यान्न नहीं दिया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। खजीरा थाना अंतर्गत गदईपुरा में 8 लाख की डकैती, पुलिस को खबर तक नहीं। मुरैना पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगा रोजगार मेला। काशीपुरा में किशोरी के साथ 5 महीनों तक होता रहा दुष्कर्म, आरोपियों में नाबालिग भी शामिल। और भाजपा ने बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किया श्रृंखला। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जाती दीजिए, नमस्कार।